Hello little champs, welcome to Magnet Brains. This is Tessana Jose, and today we are going to actually complete the exercises for your story, the grasshopper and the ant. आपको story याद है? एक grasshopper था, एकदम मस्त रहने वाला, and ant थे जो बहुत मेहनत करते थे, winters के लिए खाना जमा कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे. जो ग्रासहॉपर था वो इनका मजाक उड़ाता था कि तुम लोग इतना काम करते हो, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, ये वो करके. तभी एंट ने ग्रासहॉपर को बोला था, विंटर्स आ रहे हैं, अपने लिए खाना जमा कर लो. बट नहीं, ग्रासहॉपर को तो सुनना ही नहीं था, वो मस्ती में ही लगा हुआ था. देन समर्स चले जाते हैं, धीरे धीरे विंटर्स आते हैं, हर जगह आइस स्नो फैल जाता है. एंड जो हमारा ग्रासहॉपर है उसको ना खाने के लिए कुछ मिल रहा था और उसको ठंड भी बहुत लग रही थी. तो वो क्या करता है, एंट के पास जाके हेल्प मांगता है. बट एंट इतना गुस्सा थी उससे कि उसने दरवाज़ा उसके मुंह पे बंद कर दिया. एंड उसने क्या बोला, लेजी ग्रासहॉपर, तुमको मैंने बोला था पहले ही कि विंटर्स आ रहे हैं, अपने लिए खाना जमा कर लो, ठंड के लिए कुछ प्रिपेयर कर लो. बट नहीं, तुम तो सारा दिन खेलते रहते थे, डांस करते रहते, गाते रहते थे, अब क्यों हेल्प मांगने आए हो, ये बोल के वो गुस्से से दरवाज़ा बंद कर देती है. एंड बेचारा ग्रासहॉपर वैसे ही ठंडा और भूखा रह जाता है. ठीक है, सो व्हाट वाज द मॉरल ऑफ योर स्टोरी, यू शुड नो हाउ टू मैनेज योर टाइम एंड यू शुड वर्क हार्ड. ठीक है, सो नाउ वी विल बी डूइंग द एक्सरसाइजेस फॉर दिस चैप्टर. वी विल स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चन आंसर्स. हाउ डिड द ग्रास हॉपर स्पेंड हिज डे? ग्रास हॉपर दिन भर क्या करता था? द ग्रास हॉपर spent his day singing and dancing and enjoying in the sun. So, वो दिन भर क्या करता था, गाना गाता रहता था, डांस करता रहता था और धूप में घूमता रहता था. ठीक है, द ग्रास हॉपर स्पेंट हिज डे सिंगिंग एंड डांसिंग एंड एंजॉइंग इन द सन. सारा दिन धूप में घूमता रहता था, गाना गाएगा, डांस करेगा, बस यही करता रहता था. ओके, नेक्स्ट, डिड द ग्रास हॉपर फाइंड फूड इन द विंटर? ग्रासहॉपर को खाना मिला था क्या विंटर के टाइम पे? नो, the grasshopper, did not find food in the winters and was starving. भूख से मरने वाला था वो. So no, the grasshopper did not find food in the winters and was starving. ठीक है, उसको ठंड में कहीं खाना नहीं मिला और वो भूखा मरने वाला था. Okay? What did the ant tell the grasshopper when he asked for food? What did the ant tell the grasshopper? वो पूरा डायलॉग आप ये रहा. Lazy one, what were you doing all summer? You were only singing and dancing. You should have thought of the cold winter months ahead. Go away. ये एंट ने बोला था किसको? ग्रास हॉपर को. कब? जब वो फूड मांगने आया था. लेजी वन, वॉट वर यू डूइंग ऑल समर? यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग. यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड. गो अवे. वॉट डिड द एंट टेल द ग्रास हॉपर व्हेन ही आस्क्ड फॉर फूड? द एंट called the grasshopper lazy, and asked him to go away. So the ant was so angry, उसने grasshopper को क्या बोला? You are lazy, and उसने उसको घर से भगा दिया, है ना? और हमारा बेचारा grasshopper भूखा ही रह गया. The ant called the grasshopper lazy and asked him to go away. उसने उसको lazy बोला और घर से निकाल दिया. Now, similar words. Speak, complete, small, sick and big. आपके पास कुछ words हैं and उनके साथ में ही आपको दो अलग अलग words दिए हैं. आपको similar word को circle करना है. Similar मतलब जो एक जैसा है. First one is speak, talk or shout. Speak, talk or shout. Talk है ना? Speak मतलब बात करना, चिल्लाना तो नहीं है. Complete, finish और start. Complete करना मतलब खत्म करना. So finish. Small, thin और little. Small मतलब पतला होता है या छोटा होता है? छोटा. तो small is little. Sick, ill और stout. Stout मतलब छोटा, बोना, जिसकी height नहीं होती है. That is stout. So sick मतलब stout होता है या ill होता है? Easy, ill होता है. Big, big मतलब बड़ा या मोटा? बड़ा. ठीक है? So these are the similar words. Speak, talk, complete, finish, small, little, sick, ill, big, large. Okay? When you hear summer and winter, what are the words that come into your mind? Winter season में कुछ चीज़ें होती है जो आप use करते हो या देखते हो या आपके पास होती हैं, and summer के time पे कुछ अलग चीज़ें होती हैं, right? So winter बोलते ही आपके दिमाग में first thing क्या आता है, वो आपको fill करना है. First thing snow, second sweater, फिर hot chocolate, फिर snow, sweater, hot chocolate. और क्या होता है winter में? और क्या करते हैं, मतलब क्या होता है ऐसा जो आप सिर्फ winters में होते हैं? ये कौन है? Snowman, right? Winters में snowman बनाते हैं, है ना? Snowman भी बना सकते हैं, snow fairies भी बना सकते हैं. तो आप snow fairies लिख लो या फिर snowman लिख लो. Snowman या फिर snow fairy. आपको पता है snow fairy क्या होता है? जब आप snow में लेट के आपके हाथ move करते हो और पैर move करते हो ना, so it forms a fairy. ऐसा कुछ. So that's a snow fairy. ठीक है? ठीक है? So that was for your winters. Now summer. Summer में क्या याद आता है आपको? Summer में cooler, ice cream आपके पास already है. Summer, sun, cooler हो गया, sun हो गया, cotton clothes, and lemonade. ये सब सिर्फ examples हैं. आपको winters में जो याद आता है आप वो लिख सकते हो, आपको summers में जो याद आता है आप लिख सकते हो. So cotton clothes, lemonade, cooler, ice cream and sun. Okay? आपको जो याद आए या आपको जो पसंद है winters और summer में आप वो लिख सकते हो. ठीक है. नाउ कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज रिटन. नाउ यू हैव अ कोड वर्ड, दिख रहा है कोड. यहाँ पे आपके पास कोड्स है, यहाँ पे नंबर्स है. आपको नंबर का जो भी अल्फाबेट है वो ऊपर लिखना है एंड फाइंड आउट करना है कि क्या लिखा है. करे चलो. द 24 कहाँ है? 24. जी 15. आर 3. ए 23. S again S 21. H 10. O 17. P 16. E and 15. कहाँ है 15? ये रहा. So the grasshopper eats, क्या खाता है? 4. 4 कहाँ है? 4 कहाँ है? अरे 4 कहाँ है? ये रहा. W 10. O 15. R 7. M 23. S. The grasshopper eats worms. Grasshopper क्या खाता है? छोटे छोटे कीड़ों को. अर्थवॉर्म जैसे होते हैं ना, छोटे छोटे रिगल करने वाले कीड़े. ग्रासहॉपर उनको खाता है. ठीक है. Another one. D 3A 22. N 12. T 23. S. The ant eats 24. G 15. R 3. A 9 का है. I 22. N and 23. S. The ant eats grains. Ant क्या खाता है? Grains. Grains मतलब अनाज, चावल, गेहूँ, छोटे छोटे सीड्स होते हैं ना वो. So the grasshopper eats worms and ant eats grains. Now you can use these codes to write secret messages to your parents. ठीक है, आपके पास कोड है ना, so write a secret message for your parents. ठीक है, and tell them to decode it. और आपके parents को ये कोड भी देना और बोलना कि उसको decode करें, right? Okay, you have another one. 4. 4 is कहाँ है? 4. W 9. I 22. N 12. T 16. 16 का है. E 15. R. Winter is very 8. C 10. O 20. L 11. D winter is very cold. Winter में ठंडी होती है बहुत. So winter is very cold. Done. So last one is your homework. ठीक है, you have to decode it. Easy है ना. आपको सिर्फ नंबर का अल्फाबेट ऊपर लिखना है and it will be complete. Next is look at the picture. Now as picture A is described, describe B. आपके पास picture A है. Now it is described as a lady is cycling. A lady is cycling. A man is running. A man is running. Two girls are playing. Two girls are playing. A dog is sleeping. A dog is sleeping. So this was picture A, simple sentences में आपके picture को define किया हुआ है, describe किया हुआ है. So next में मतलब this one. Now you have to describe this picture. Can you describe it? चलो, let's do it. A dog is drinking water. A dog is drinking water. फिर two girls are skipping. Two girls are skipping. फिर a lady is cutting grass. A lady is cutting grass. What is the last one? A man is sleeping. A man is sleeping. So you've done 4 sentences. आप describe कर सकते हो ना. अगर कोई और फोटो दिया होगा इसकी जगह पे, अगर दो गर्ल्स स्किपिंग की जगह पे वो दोनों कुछ खेल रहे होते तो the girls are playing. If the man was working, you could have said the man is working. ठीक है? So according to the picture, you can write your sentences. A dog is drinking water, two girls are skipping, a lady is cutting grass, and a man is sleeping. And that ends with all the exercises and chapters of your book Marigold. So we've completed unit 10 with its poem, with the story and the exercises. So I hope आपको story भी समझ में आ गया and आपने सारे exercises along with me कर लिए, है ना? So code word वाला याद रखना. You have one homework and you can write one message for your parents and tell them to decode it. मजा आएगा, ठीक है? So till we meet next, take care, maintain distance from people, use your mask. Bye bye.